मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूँ कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाडा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते? तो इसका गोल गोल जवाब देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत देती, घूस, रिश्वत, और भ्रष्टाचार हमारे देश के हर विभाग में है। ये चिकित्सा का जो विभाग है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो हमारे देश का विभाग है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वैसे तो सभी विभाग भ्रष्ट हैं, लेकिन ये बहुत भ्रष्ट है। इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कंपनी अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं मिलता। मैं आपको एक पूरा उदाहरण से बात समझाऊंगा। हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिकन कंपनी है, ये भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में ना बनाई जाती है ना बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं, इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है। अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है, उसकी डिग्री छीन ली जाती है। कारण आप पूछोगे क्यों? विक्स जो है जहर है, इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया है। जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। आप रायगढ़ में किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो एक ही दवा है विक्स। जो दवा अमेरिका में नहीं बिक सकती वो भारत में हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा। कारण क्या है? हमारे देश की सरकार ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को लाइसेंस दे रखा है विक्स बनाने का और वो धड़ल्ले से बना रही है। टेलीविजन पे रोज उसका विज्ञापन आता है, जबकि कानून के हिसाब से किसी दवा का विज्ञापन टेलीविजन में नहीं दिया जा सकता, ये कानून है। हमारे भारत में भी ये कानून है, अमेरिका में तो है ही ये कानून। सैकड़ों बार आता है और सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस देके बैठी है। और ये कैसे होता है? ये पैसे की ताकत से होता है, रिश्वत से होता है, घूसखोरी से होता है। टेलीविजन में आपको बताया जाता है कि खांसी हो गई है तो विक्स की गोली लो, गले की खिचखिच दूर करो, ये अपराध है बोलना टेलीविजन पे, क्राइम है, कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, कारण उसका घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, और वो दवा हम खरीद रहे हैं। और ये दवा भी हम जब खरीदते हैं ना, विक्स तो कितनी महंगी मिलती है, 25 ग्राम विक्स 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 1600 रुपए किलो विक्स हम नाक में लगा रहे हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे, 200 रुपए किलो काजू नहीं खा रहे, 300 रुपए किलो गाय का घी नहीं खा सकते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा लेते। आपको मालूम है ये विक्स बनती किससे है? ये बनती है पेट्रोलियम जेली से, और पेट्रोलियम जेली अगर बाजार से आप खरीदो तो 60-70 रुपए किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है,
घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली खरीदो 15-20-25 रुपए किलो में मिल जाती है। तो जो दवा 50-60 रुपए किलो में बाजार में मिल रही है पेट्रोलियम जेली, उसको एक अमेरिकन कंपनी 1600 रुपए किलो में बेच रही है। ऐसी लूट मचा रखी है इस देश में। अगर आप गणित का हिसाब निकालेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को 20,000% से ज्यादा का मुनाफा है, और ये मुनाफा आपकी जेब से लूटा जा रहा है, और सरकार इस घोटाले में शामिल है। सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, कंपनी लूट रही है पूरे देश को, और दवा ऐसी बेची जा रही है जो कहीं नहीं बिकती पूरी दुनिया। हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार वहां के डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों से बातें करते हैं, तो वो हैरानी से हमसे ये पूछते हैं कि भारत में ये कैसे संभव होता है कि पॉइजन मेडिसिन को बेचा जाता है, एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत। ये हमारे यहाँ होता रहता है। और एक उदाहरण देता हूँ, एक विदेशी कंपनी हमारे यहाँ एक दवा बनाती है और बेचती है, उसका नाम है आयोडेक्स। आपने इसका विज्ञापन सुना होगा, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। ये आयोडेक्स नाम की दवा हर चोट और मोच के लिए आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल करता आयोडेक्स का। अमेरिका कनाडा जैसे सब देशों में ये बंद है, 20 साल पहले बंद है, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। फालतू में ऐसी दवाएं हमारे यहाँ बहुत मिलती है। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए बेबी फूड और बेबी पाउडर्स बेचे जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बेचता, कहीं नहीं बिकते। हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेबी पाउडर के नाम पर बहुत सारे ब्रांड हैं, सेरेलक है, नेस्टम है, लैक्टोजन है, ये दुनिया में कहीं नहीं बिकते। अगर आप अमेरिका जाएंगे किसी दुकान में नहीं मिलेगा ये आपको, यूरोप में भी नहीं। अमेरिका यूरोप में तो हम लोग देखते हैं कि वहां बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और उन पर लोगों को समझाने के लिए लिखा जाता है बेबी पाउडर नॉट बेबी किलर। वो कहते हैं कि ये बेबी पाउडर नहीं है, बच्चों को मार डाले ऐसी चीज। अमेरिका यूरोप में कोई अपने बच्चों को ये नहीं देता नेस्टम सेरेलक लैक्टोजन, लेकिन भारत में पता नहीं कितने परिवारों में बच्चों को ये खिलाया जा रहा है। पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में ये बहुत बड़ा घटाटोप है, घोटालेबाजी रिश्वतखोरी में पूरा चिकित्सा व्यवस्था डूबी हुई है हमारी। और इस चिकित्सा व्यवस्था का एक कड़वा सच है, और मैं पहले से आपसे माफी चाहता हूं लेकिन जरूर कहूंगा, वो कड़वा सच ये है कि ये जितनी बेकार की दवाएं हैं, फालतू की दवाएं, इरेशनल इरेलीवेंट मेडिसिन, जहरीली दवाएं, इन सबको डॉक्टर्स आपको लिखते हैं एक ही लालच में कि उनको कमीशन मिलता है इन दवाओं को बिकवाने में। हमारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं मिलता रहता हूँ, उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है वो मैं इकट्ठी करता रहता हूँ। हमारे पतंजलि योग पीठ में आप जानते हैं कि हर दिन करीब 2,500 मरीज आते हैं, और उनमें से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी एलोपैथी के चक्कर में सब बर्बाद करा चुके हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, अंत में आते हैं हमारे यहाँ। तो पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया हम उनसे पूछते हैं, तो उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में देखता हूँ, तो डॉक्टर्स की लिखी हुई ऐसी ऐसी दवाएं देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ जिन दवाओं को कोई भी ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर अपने को नहीं खिला सकता, अपने घर परिवार के लोगों को नहीं दे सकता, वो दवाएं डॉक्टर मरीजों को लिखता रहता है।
और जब वो स्लिप लेके हम डॉक्टर्स को मिलते हैं और कहते हैं कि आपने ये दवा कैसे लिख दी इस मरीज को, क्योंकि इस दवा के तो 100 से ज्यादा दुष्परिणाम है, दुनिया के इतने देशों में ये बैन है, आपने कैसे लिखा इसको, तो वो डॉक्टर्स जो है ना मुस्करा के रह जाते हैं। और जो थोड़े हमारे नजदीकी हैं वो कहते हैं क्या बताएं भाई, कमीशन मिलता है इसमें, और कमीशन थोड़ा बहुत नहीं मिलता, 40% तक मिलता। आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं कि अगर आप किसी केमिस्ट की दुकान से 1000 रुपए की दवाएं खरीद रहे हैं, किसी डॉक्टर की स्लिप पर लिखी हुई, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखी हुई, तो उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास जाएगा। ये सारे केमिस्ट जो है ना डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कमीशन खोरे हैं। वो दवा बेचेंगे, मुनाफा आएगा, उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। और ये काम और बड़े पैमाने पर होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवाएं डॉक्टर से लिखवाने के लिए कमीशन देती हैं। कैसे कमीशन देती हैं? बहुत सारी कंपनियां डॉक्टर्स को कार देती हैं, गिफ्ट में कार दे देती हैं, टेलीविजन दे देती हैं, मोटरसाइकिल दे देती हैं, घर में एसी लगवा देते हैं। कई कई कंपनियां तो डॉक्टर्स के परिवारी लोगों को स्विट्जरलैंड घूमने का टिकट दे देते हैं, हांगकांग सिंगापुर का टिकट दे देते हैं, कहते हैं जाओ खरीदी करके आओ। अब वो डॉक्टर जब कंपनी से कार पा जाएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, उनकी बहुत सारी सुविधाएं लेगा, तो वो तो उनका जल खरीद गुलाम हो गया। अब तो कई कंपनियों ने इतने खराब खराब तरीके निकाले हैं इस रिश्वतखोरी के कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके बेटे बेटियों की पढ़ाई का खर्च दवा कंपनी देती है, डॉक्टर्स के टेलीफोन का खर्च दवा कंपनी भरती है, डॉक्टर्स की गाड़ी में डीजल पेट्रोल का खर्च दवा कंपनी देती है, तो वो डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जिसको कंपनी कहती है, और कंपनी वो दवाएं लिखवाती है जिसमें मुनाफा बहुत हो, और मुनाफा उन्हीं दवाओं में है जो सबसे खराब और रद्दी दवाएं। ये सारा रैकेट ऐसे चलता है। तो इस चक्कर में आप जो दवाएं खा रहे हैं, आप नहीं जानते कि उन्हीं दवाओं से आप और ज्यादा बीमार होते चले जाए। आप नहीं जानते कि कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपके घुटने के दर्द के लिए जिम्मेदार हैं। जितनी एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ये सब घुटनों का दर्द करते हैं। आपको गठिया होगा, संधिवात होगा, अर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोअर्थराइटिस होगा, रूमेटिड अर्थराइटिस होगा, ये सब होता है। कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपको मोटापा लाती है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करने आया, विनती करने आया कि आप बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचो, आप बीमारी से नहीं ये बेकार की फालतू एलोपैथिक दवाओं से। से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं मिलता। मैं आपको एक पूरा उदाहरण से बात समझाऊंगा। हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिकन कंपनी है, ये भारत में जो स्वास्थ्य संगठन ने उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते? तो इसका गोल गोल जवाब देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत देती है। सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में ना बनाई जाती है ना बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं, इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है।
अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूँ कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाडा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है और विश्व घूस रिश्वत और भ्रष्टाचार हमारे देश के हर विभाग में है, ये चिकित्सा का जो विभाग है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो हमारे देश का विभाग है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वैसे तो सभी विभाग भ्रष्ट है लेकिन ये बहुत भ्रष्ट है। इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कंपनी अमेरिका